हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 2019 से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। और ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हम इस वीडियो में देखेंगे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। कैलेंडर से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप कैलेंडर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ज़रूर देख लो। तो जैसे कि हमारा यह क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से दिन को निकालने के लिए कहेगा कि कौन से तारीख को कौन सा दिन था। तो आपको यहाँ पर दिया है 4 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था, तो आपको इसे निकालने हैं। तो 4 अप्रैल 2008 बोल रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले 4 के लिए हम 4 लिख लेंगे, और अप्रैल की अगर बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मंथ कोड की। तो मैं यहाँ पे आपको सारे मंथ कोड्स लिख देती हूँ, इसको आपको एक सीरीज़ की तरह याद कर लेने हैं। जैसे कि वो हमारा जो सीरीज़ है वो क्या है, तो 0, 25, 0, 36, 144 और 146। अब इसका मतलब क्या है, आप इसे याद कर सकते हो ऐसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हमारा अप्रैल बोल रहा है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल, सॉरी ये अप्रैल, तो अप्रैल का कोड हो गया हमारे पास 0। उसके बाद आता है हमारे पास ईयर कोड, तो ईयर कोड अगर हम 2000 की बात करते हैं तो 6420 के सीरीज से चलता है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से अगर चलेगा तो 2000 का कोड जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं तो 8 का, तो 8 का कोड हो गया हमारे पास 8, और ये 2 यहाँ पे। अब हमारे पास ये तो आ गया 4 के लिए 4, अप्रैल के लिए अप्रैल, और 2000 का ईयर कोड हो गया 6। यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 16, 17, 18, 19, 1600 कुछ रहेगा, 16th सेंचुरी, 1600 कुछ के लिए तो 6, 17 के लिए तो 4, 1800 समथिंग के लिए 2 एंड 1900 समथिंग के लिए 0। अब बात आती है 2000 समथिंग के लिए, तो फिर से 6 से शुरू हो जाता है, तो 6। और लास्ट का दो शब्द लिख, लास्ट का दो अक्षर लिखना है, तो आपके पास 8 हो गया। अब बात आया लीप ईयर की, तो इसमें कितने लीप ईयर आए, तो 8 को आपको जो लास्ट का दो डिजिट लिखा उसे 4 से डिवाइड कर लेना है, तो 2 टाइम्स हमें कैंसिल हो गया, तो 2 लीप ईयर्स हो गए, एंड डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 8, 6, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर यानी कि 0। अब हमारे पास बच गए 4 एंड 2 यानी कि 6, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आपके बचने हैं, तो 7 मतलब हमारा क्या हो जाता है, तो फ्राइडे। तो आपका आ जाएगा कि 4 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही सिंपल आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से क्वेश्चन है, 9, 28, 56, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको 9 एंड 26, 28 में रिलेशनशिप ढूंढने होंगे। तो ये बहुत ही इजी है आपका, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, 9 या 27 प्लस 1 28 हो गया। उसी तरीके से 56 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 168 प्लस 1 यानी 169 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बात करेंगे तो आपको ये भी एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का ही है, कट को हम बी डी टी वी एस यू लिख सकते हैं, तो टिप को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 3 अक्षर है, यहाँ 6 अक्षर है, तो हम देख रहे हैं सी जो है बी एंड डी के बीच आता है, यू जो है टी वी के बीच आता है, और टी एस यू के बीच आता है, तो हम इसी चीज़ को लगा देंगे। तो टी, टी किसके बीच आता है, तो एस एंड यू के बीच, तो ऐसा आपके दो ऑप्शन है। फिर आई, आई किसके किसके बीच आएगा, तो एच एंड जे के बीच, और पी किसके किसके बच आएगा, तो ओ आर क्यू के बच, एस यू जे एच, एस यू एच जे ओ क्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है, कह रहे हैं 4, 17, 43, 82, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 13, 4, 17, 17, 26, 43, और 43 और 82 का डिफरेंस अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो 39, तो 13 दो 26, 13 3 39, तो 13 चौके 52, तो हमारा 52 का डिफरेंस जाएगा, तो 2, 2, 4, 8, 5, 13, तो 134 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा आपको ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, कह रहा है ए तथा बी भाई है, सी इसके पिता है, डी इसकी पत्नी है, ई डी
ई डी की माँ है, ए का ई से क्या संबंध है? कह रहा है ए और बी जो है भाई हैं, ए और बी के बारे में आपसे बात किया कि ये दोनों ब्रदर्स हैं, पॉजिटिव साइन, और सी जो है इनके पिता हैं, सी इन दोनों के पिता हैं, और डी जो है इनकी पत्नी है, डी जो है इसकी पत्नी हो गई, ये प्लस और ये माइनस, और कह रहा है कि ई जो है डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, ई के बारे में बात कर रहा है कि यह डी की माँ है, तो ई हमारा ऊपर चला गया, ई डी की माँ हो गई, तो ए का ई से क्या संबंध होगा जाएगा, तो पोता हो जाएगा, ई का ए से क्या संबंध हो गया, तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली पोता का संबंध आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, यदि संडे को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोड में और बिग को 6, 7, 8 कोड में लिखेंगे, तो SANDBA बाई को किस कोड में लिखेंगे? तो हमसे बात कर रहा है संडे और बिग का, तो हम देख रहे हैं एस को 0 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ भी हम एस को 0 के फॉर्म में लिख देंगे। ए के बारे में देखें तो ए को 4 के फॉर्म में लिख रहा है, तो हम ए को 4 के फॉर्म में लिख देंगे। एन को देखें तो एन को 2 के फॉर्म में लिखा, तो एन को 2 के फॉर्म में लिख दिया। डी को लिखा 3 के फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे 3 के फॉर्म में लिख देगा। और फिर बी की बात करें तो बी को लिखा है 6 के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ए को नेक्स्ट फिर से आपको 4 के फॉर्म में, एंड वाई को 5 के फॉर्म में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, 4, 2, 3, 6, 4, 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।